तो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? योर ऑनर, ये जो कटघरे में खड़े हैं ये हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और मेरी क्लाइंट जो कि एक डॉक्टर है उनको उन्हीं के घर जाने से रोक रहे हैं। सर, ये हॉस्पिटल में काम करती हैं, कोरोना पेशेंट्स का दिन भर इलाज करती हैं। हमारी सोसाइटी में 120 फैमिलीज हैं, अब कोरोना पेशेंट से बीमारी इन्हें लगेगी तो हमारी पूरी सोसाइटी कोरोना की चपेट में आ जाएगी। सर, ये हॉस्पिटल में ही रहे तो अच्छा है। सेक्रेटरी साहब, इनकी फैमिली, पति, बच्चे इनके भी हैं, आपको क्या लगता है ये जानबूझकर उनको खतरे में डालेंगी? अब ये बीमारी इनको लग गई तो सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों को तो मुसीबत में डाल देंगी ये। इनका सोसाइटी में रहना तो संभव नहीं है साहब। आप जैसे डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं, कल को आप बीमार पड़ जाएंगे और डॉक्टर्स आपके बीमार होने के डर से आपका इलाज ना करें तो आप क्या करेंगे? बीमार? योर ऑनर, मैं सेक्रेटरी साहब से यही बोलूंगी कि वो डरे नहीं। हमारी सोसाइटी में कोई भी बीमार पड़े मैं हमेशा उनका इलाज करूंगी, इसलिए कि सोसाइटी भी मेरा परिवार है और दूसरा कि हम सारे डॉक्टर्स पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं जिससे बीमारी में काफी बचाव होता है। समझे मिस्टर सेक्रेटरी, याद रखिए ये है वो हम है। ऑब्जेक्शन सर। किस बात पे? एक सेल्फी हो जाए प्लीज। बेशक, मगर 6 फीट की दूरी से।